रोटी बैंक यूथ क्लब प्रतिदिन की तरह आज भी जरूरतमंदों के बीच भोजन लेकर पहुंची। आज भोजन वितरण करने से पूर्व जो जो सैनिक हमारे देश की सुरक्षा के खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दिए, उस वीर जवान को रोटी बैंक यूथ क्लब के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाजसेवी श्री दिलीप सिंह मौजूद रहे। उन्होंने कहा, जिस तरह कायरता की पहचान देते हुए चीन ने इस कार्य को अंजाम दिया है, जो कि काफी निंदनीय है, इस वक्त पूरे देश को इस दुख की घड़ी में एक साथ होकर खड़े रहना चाहिए। पर कुछ गद्दार आज भी हम सबों के बीच हैं, जिसके कारण हम लोगों को ये दिन देखना पड़ता है। उनका कहना था कि जिस तरह अपने आप को सुरक्षित रखकर मानवता सेवा हेतु कार्य किया है, वो काबिले तारीफ है। आज का खाना स्टेशन परिसर में बांटा गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री रविशेखर, विष्णु, रितेश, विश्वजीत, राहुल, मंजित, पीयूष और समस्त रोटी बैंक यूथ क्लब के सदस्य उपस्थित रहे। आज रोटी बैंक यूथ क्लब की ओर से चीन लद्दाख युवान में जो तीन सैनिकों से हमारी भारतीय सेना में जो भिड़ंत हुई है, उसमें ये चीन की ओर से कायरत कायरता वाला हरकत है। इस पर ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इस पर भारत सरकार कड़ी निंदा करते हुए इन्होंने कहा है कि इस बलिदान को हम इसी तरह बेकार नहीं जाने देंगे। और पूरी तरह से चीन बुखराया हुआ है, क्योंकि जिस तरह भारत अपने परचम को पूरे विश्व में लहराने की कार्य कर रही है, इससे पूरी तरह से चीन नर्वस हो चुका है और इनके द्वारा इस तरह का कायरता हरकत किया जा रहा है। और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा आज के छात्रों के नौजवानों को कि आप अपने देश की सेवा में लगें। जिस तरह आज के नौजवान हमारे नौसेना ने जो
जिस तरह चीन में अपना बलिदान देकर उन्होंने यह संकेत दिया है कि उनके रहते हुए हम अपने अपने देश पर किसी तरह का हाथ आने नहीं देंगे, क्योंकि हम अपने देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। वह डट कर सामना करते हैं, अपनी छाती पे गोली खाना पसंद करते हैं, लेकिन देश के साथ गद्दारी करना पसंद नहीं करते हैं। और जिन्होंने इस तरह का कायदा हरकत किया है उन्हें रक्षा